नमस्कार दोस्तों, नीरज कुमार ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दही के बारे में। दही जो है कब खानी चाहिए कब नहीं खानी चाहिए, पूरा साल दही खाने से क्या होगा। दही तो खाने की चीज़ है, खाने में कोई हर्ज नहीं अगर पूरा साल खाए तो। ऐसा सोच कर दोस्तों हम दही का सेवन पूरा साल करते रहते हैं जो कि दोस्तों ठीक नहीं है। दही खाने के लिए सही समय क्या है, अपनी तरफ से अपनी जानकारी के हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों बरसात का ये जो मौसम है, इस मौसम में क्या होता है, बरसात जो ह्यूमिडिटी और बरसात का जो मौसम है इसमें हमारे अंदर की गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसे ही ठीक दोस्तों बरसात होने की वजह से धरती के अंदर भी जो है गर्मी का तापमान इतना बढ़ जाता है कि कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब निकल के ज़मीन पे रेंगने लगते हैं। तो दोस्तों मैं पहले भी कई बार ये अपने एपिसोड में बात कही है कि हमारा शरीर जो है प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। आप इस बात को गांठ बांध कर मान लो और इससे अलग हम चलेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो दोस्तों ऐसे मौसम में जो है आप दही जो है जून के लास्ट में दही बंद कर दें और जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने दही का सेवन ना करें। बहुत ज़्यादा बरसात आ जाए, थोड़ा सा ठंडा मौसम आपको लग रहा है, आज ठंड सी लग रही है, ऐसे में कुछ रायता वगैरह बना लें, फ्रूट रायता बना लें, वेजिटेबल रायता बना लें, दही की क्वांटिटी उसमें थोड़ी कम हो जाएगी, पानी मिलाकर वो ले सकते हैं। बाकी दोस्तों जो जनवरी का महीना है उसमें भी आप रायता लें, जैसे मान लीजिए गाजर आ रही है, गाजर का रायता आप ले सकते हैं, उसमें दही कम हो जाएगी, थोड़ा पानी मिला के और पतला सा रायता बना के आप ले सकते हैं। और दही का बाकी सही टाइम जो है नवरात्रे से दोस्तों 1.5 महीना पहले और 1.5 महीने बाद, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, ये टाइम आप मान के चलें। मार्च अप्रैल मई और जून 4 महीने तो गर्मी में ये ले सकते हैं आप दही। मार्च और अप्रैल में दही में थोड़ा सा चीनी डाल के लें, क्योंकि दोस्तों चीनी डाल कर लेने से पेट बहुत सही रहता है और हजम बड़ी अच्छी होती है। दही और खाना जो है डाइजेस्ट दोनों चीज़ बहुत अच्छा होता है। शुगर वाले चीनी को अवॉइड करें, शुगर वाले ज़्यादा जो फुल क्रीम की दही होती है उस दूध उसकी दही ना लें। फुल क्रीम दूध से बनी दही दोस्तों वो शुगर को बढ़ा सकती है। मीडियम जो आती है टोंड, जो नीले कलर का पैकेट आता है मदर डेयरी का, वो ले सकते हैं, या जो गांव में भाई बंद हैं जो वो अपना दूध उबाल के उसकी दही उसकी मलाई उतार के उससे बनी दही वो जो है ले सकते हैं। काफ़ी लोग हैं दोस्तों सुबह के टाइम दही नहीं ले पाते, सुबह उठते ही उनको नहा धो के जल्दी से अपना कोट पैंट टाई डाला, ऑफिस में जाना है, कोई भाई अपना जो अपना काम कर रहे हैं बिजनेस वो भी सुबह सुबह जाके अपनी मेज़ पे बैठ जाते हैं, तो सुबह के टाइम उनके पास भी इतना होता नहीं है कि दही ले पाएँ। उनको पराठा सराठा कुछ लिया तो अपने ले लिया, ना तो सुबह के टाइम दही लेना लोगों को अच्छा ही नहीं लगता, उन्हें लगता सुबह तो ठंड है, ठंड में दही क्या लें, ठंडा मौसम है सुबह के टाइम। तो शाम को जब गर्मी होती है उस टाइम वो जो है दही के अंदर अच्छी बर्फ़ डाल के उसकी छाछ बना के और पी लेते हैं एक मग्गा। कुछ लोग दोस्तों ये कहते हैं कि दही जो है शाम के टाइम लेने में क्या हर्ज है, कुछ भी हर्ज नहीं है, दही तो जो आजकल तो इतने अच्छे फ्रिज आ रहे हैं, फ्रिज के अंदर अपना निकाल लो उसमें ख़राब ही नहीं होती, फ्रिज में चाहे 2 दिन पड़ी रहे। पहले तो फ्रिज नहीं होते थे इसलिए लोग जो है खट्टी हो जाती थी दही तो पीते नहीं थे। बात ये नहीं है दोस्तों कि दही फ्रिज में खट्टी हुई या नहीं हुई, मैं मानता हूँ फ्रिज से दही ऐसे की ऐसे निकल जाती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि दही हमने खाई, छाछ हमने पी, उसके बाद वो कितनी देर में हमारे अंदर जाने के बाद वो काम करती है। दोस्तों छाछ पीते ही थोड़ी देर बाद रात में आप सो जाओगे 8-9 बजे 10 बजे, रात में वो इतनी भयंकर एसिडिटी बनाएगी कि एकदम से आप उठेंगे तो एकदम से
पूरा मुंह में गंदा पानी भर जाएगा खट्टा। तो रात के टाइम दही लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दही जो है 2 बजे तक आप दिन के ले सकते हो, उसके बाद दही ना लें बिल्कुल भी सही नहीं है। गैस और एसिडिटी इतनी भयंकर बनाती है बहुत ज़्यादा। और जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने दही बंद कर दें, उसके बाद आप नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों में दही लें बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों दिसंबर में दही फिर से बंद कर दें, वो महीना है अपना, ड्राई फ्रूट वगैरह लो और इस तरह की गर्म चीज़ें आप ले सकते हो। जनवरी में जो है पंजीरी वगैरह बना लो ड्राई फ्रूट की, ये चीज़ लेने की है। ज़्यादा ठंड में दही ना लें, 15 जनवरी के बाद थोड़ा धूप निकलने लगती है तो आप दही का सेवन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कुछ बात की आपके साथ आज दही के बारे में, कुछ बातें छूट भी गई होंगी क्योंकि मैं नया नया व्लॉग बनाने लगा हूँ, इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों जो भी मुद्दा लेकर आऊँगा, काम का लेकर आऊँगा। आजकल पता नहीं कोई जेंट्स अगर व्लॉग बनाए तो उस पर ना तो व्यू आते हैं ना कुछ आते हैं, लोग पता नहीं क्या ढूंढते फिरते रहते हैं। खाने पीने के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जो मिल गया खा लिया, जब मिल गया खा लिया। सुबह दोपहर शाम कोई टाइम नहीं है, खाना कब खाना चाहिए कब नहीं ये पता नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं ये नहीं पता है। कुछ लोग दोस्तों यही सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या आफत है कि दही ना लें, दही के ऐसे क्या नुकसान है। दोस्तों दही जो है हमारे शरीर में गलत टाइम पर लेने से, शाम के टाइम अगर आप दही लोगे तो वात पित्त और कफ तीनों चीज़ों को बढ़ाती है। अगर शरीर में कहीं भी सूजन है तो उस सूजन को बढ़ाने में दही बहुत ज़्यादा काम करेगी। और गैस एसिडिटी, एसिडिटी तो बहुत भयंकर बनाएगी बनाएगी अगर आप शाम के टाइम दही लेंगे तो। इसलिए दोस्तों शाम के टाइम आप दही ना लें, क्योंकि शाम के टाइम दही लेने पर जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत है उनका वो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, गैस बाई की शिकायत जो है वो बढ़ सकती है। अब दोस्तों कुछ लोग ये कहेंगे यार ये नीरज अजीब आदमी है, ये पागल तो नहीं है, दही नहीं लें तो फिर हम जो है जुलाई अगस्त में क्या लें, बिना दूध दही के तो जो है कोई रह ही नहीं सकता। तो दोस्तों जुलाई और अगस्त में जैसे बरसात, बहुत ज़्यादा बरसात का मौसम आ गया तो इस सब मौसम में आप दही बंद कर दें, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप दूध भी बंद कर दें। रात को खाना खाने के बाद दोस्तों आप जो है दूध में हल्दी डालना थोड़ा सा ठीक नहीं है। दोस्तों हल्दी का एक कैप्सूल आता है वो डॉक्टर से लिखवाएं, क्योंकि कच्ची हल्दी इस तरह डालने से दोस्तों गर्म कर जाती है कई बार, और हल्की फुल्की एक दो चुटकी डालोगे तो ठीक है, वो डाल सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से जो हल्दी का कैप्सूल जो आता है ना वो सबसे बेस्ट है, 500 mg का वो होता है, अपने डॉक्टर से लिखवाएं, वो लेना भी आसान रहता है, दूध के साथ घटक लो छुट्टी। खाना खाने के बाद रात को 9 बजे 9:30 बजे जब भी आप सोएं, 10 बजे उससे पहले अपना एक गिलास गरम गरम दूध, अच्छा तरड़ा मार के झाग वाला, और दोस्तों सिप भर भर के धीरे धीरे उसे पिए। तो दोस्तों सेहत से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वह अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों।